हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम चलते हैं शिमला। शिमला के लिए हम निकल पड़े थे और ये पहाड़ और ग्रीनरी भी स्टार्ट हो गई थी। हम कुछ देर चलने के बाद हम एक जगह पे रुके, वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे हमने पी चाय और ये देखे फूल जो कि बहुत ही देखने में अलग और प्यारे थे। उसके बाद हम फिर से दोबारा शिमला के लिए निकल पड़े और फिर से पहाड़ और ग्रीनरी जो कि मन को बहुत ही अच्छी लग रही थी। और वहाँ फाइनली हम शिमला पहुँच गए। वहाँ पे तो जाकर बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम निकल पड़े माल रोड के लिए। माल रोड के लिए निकले तो वहाँ पे हमें हो गई शाम। वहाँ पे हमने देखी चर्च और हमने पूरा माल रोड घूमा फिरा और ये फ्लैग भी देखा बहुत, जो कि बहुत बड़ा था। उसके बाद वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पे वहाँ का लोकल डांस हो रहा था, वो हमने देखा। और यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई किया जो कि बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही अलग टेस्ट का था। उसके बाद हम थक के आ गए अपने रूम में जो कि हमें सेवन फ्लोर पे मिला। वहाँ का व्यू आप देखिए वो कितना प्यारा था। सेकेंड डे हुआ और वहाँ पे हमने जाना था जाखू मंदिर, वो जाना था हमने रोपवे से। वहाँ की वेटिंग के लिए हमें टाइम लगा थोड़ा सा, वहाँ पे हम वेट किया और वेट करते करते फाइनली उसके बाद हमारी बारी आ गई और हम रोपवे के लिए निकल पड़े। रोपवे में बैठे और साथ के साथ रोपवे हमारी चल पड़ी। उसके जाने के बाद हमें पहुंच गए हम जाखू मंदिर। जाखू मंदिर पे जाके हमने हनुमान जी के दर्शन किए जो कि बहुत ही पीसफुल प्लेस था। और देखिए ये हनुमान जी की मूर्ति जो कि 108 फीट ऊंची थी, जो कि देख जिसके सामने हम बिल्कुल ही छोटे छोटे से नजर आ रहे थे और ये मूर्ति बहुत ही बड़ी थी। उसके बाद हमने वहाँ साइड पे घूमा फिरा, बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस थी वो देखी। एंड उसके बाद फाइनली हमारे रोपवे का फिर से टाइम हो गया और हम अपने रोपवे में बैठे और नीचे आने के लिए तैयार हो गए। हमारी रोपवे चली तो उससे शिमला नीचे पूरा नजर आ रहा था, जिससे ऐसे लग रहा था जैसे प्लेन में से व्यू नजर आता है। और उसके बाद हम फाइनली हमारी रोपवे नीचे पहुंच गए और हमने आके नीचे से ये हनुमान जी की मूर्ति देखी तो हमें बिल्कुल छोटी सी नजर आ रही थी। उसके बाद हम आए माल रोड पे, मौसम बहुत अच्छा था तो हमने आइसक्रीम का भी लुत्फ उठाया। और उसके बाद फाइनली हम फिर दोबारा लिफ्ट के पास आगे घर जाने के लिए। शाम हो चुकी थी, सेकेंड डे था हमारा। और उसके बाद हम निकल पड़े। आते आते हमें बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, तो आते वक्त हमने देखा कि रोड से शिमला कितना प्यारा लग रहा था। ये हमने